करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर्स की राइट नाउ क्या है आप लोगों के लिए कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे इस वक्त की एनर्जीज होंगी। फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, हैंगमैन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम पे है सिक्स ऑफ वैंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि जो आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं पर वो चॉइसेस लेना नहीं चाहते बिकॉज उनको लगता है कि उनको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता, ठीक है। और आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं लव के, ठीक है, बट ये है कहीं ना कहीं उनकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, स्टक हो गई है, ठीक है। और उनका जो कर्मा जो है, बैगेजेस है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं जिसकी वजह से उनको बार बार मुश्किल फेज से गुजरना पड़ता है, ठीक है। एंड ऐसे लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो इनका कार्मिक है बार बार घूम घूम के वापस आ रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने अपना शेडो को हील नहीं किया है जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ये है कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजेस हैं, कर्मा बैगेजेस हैं, बहुत ज़्यादा क्या नाम है, कन्फ्यूजन भी है, ट्रस्ट इशू है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन है कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है। तो अगर इस कनेक्शन में आपको सच में ग्रोथ चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि ये कनेक्शन काम करे, तो पहले तो आपको सरेंडर करना है पड़ेगा डिवाइन पे, क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे आपको ये इश्यूज आते ही रहेंगे, आपकी चीज़ें सॉर्ट नहीं होने वाली, क्योंकि और लोग आपके इस कनेक्शन में आते जाते रहेंगे जब तक आप डिवाइन पे सरेंडर नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही मैसेज है आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स। हर्मिट, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, अभी आपके जो पार्टनर हैं खुद को अकेला किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हर्ट है थर्ड पार्टी की वजह से भी। एंड अगर मैं आपको लेके कहूँ तो आपके बारे में ये कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे बिकॉज ये आपको एज अ ऑप्शन ही ले रहे हैं अभी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। या तो इनका कोई पास था जिससे ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और वहीं पे स्टक रह गए हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं एंड आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं यहाँ पे। जजमेंट, किंग ऑफ वैंड एंड सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम पे है एम्परर। यस, एक तो इनका फैमिली का भी इशू है, मदर फादर का इशू हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं अपने पास में स्टक है, पास के रिलेशनशिप में, कार्मिक रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा स्टक है कि ये आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं और ना ही इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है बिकॉज एक तो इनका हर्ट चक्र ब्लॉक है, स्टक है ये कहीं ना कहीं और आप पे खुल के ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कनेक्शन में आपको इनको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनर चाइल्ड वूंड से लेके मदर फादर का वूंड्स, यहाँ पे लगा लो इनका एक्स का, इनके बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। तो अगर आपको ये सब सॉर्ट आउट करना है और चाहते हो कि वो आपको दिल से प्यार करे, दिल से अपनाए, तो अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आपको ये कनेक्शन से मूव ऑन कर जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल कनेक्शन है और आपको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। पर ये है कि इसमें ये होगा कि आपको हीलिंग मिलेगी, डिवाइन से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाओगे इस कनेक्शन की वजह से, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस पर्सन के लिए या फिर खुद के लिए आप इस पर्सन के पीछे जाना चाहोगे या मूव ऑन करना चाहोगे। तो यहाँ पे मैं यही गाइडेंस दूंगी आज की रीडिंग में, क्योंकि करंट फीलिंग्स का क्या बताऊँ कि इसमें कुछ आया ही नहीं है वैसा, वो तो अपने पास में स्टक हैं, तो वो जब तक अपने पास को हील नहीं करेंगे वो आपकी तरफ क्या बढ़ेंगे। तो
इसका बस एक ही तरीका है, आप सरेंडर कीजिए डिवाइन पे, अपना वर्क करते रहिए, ये पर्सन खुद ही अवेकन होके आपकी तरफ बढ़ने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप लोग का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या फर्स्ट वेव के हो ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि यहाँ पे 3 वेव्स हैं, जो फर्स्ट वेव वाले होते हैं उनको स्टार्टिंग में अभी पता चलता है कि हाँ हम इस कनेक्शन में और हमको इस पर वर्क करना है। सेकंड वाले जो हैं अभी भी वही रनर चेजर के साइकिल में गुम होते हैं, और जो थर्ड वाले हैं वो कहीं ना कहीं आप बैलेंस कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे आज जो फर्स्ट फेज वाले हैं, जो ट्विन फ्लेम्स या स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले, ये उनकी रीडिंग है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी उनके अंदर आपके लिए प्यार, वो सोल लेवल का जो एक पुल उनको महसूस होगा आपके लिए। तो ये है आज की रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।